दोस्तों, अगर आप पावर बैंक का यूज़ करते हो और आपने एक बढ़िया पावर बैंक खरीद रखा है अपने लिए 10,000 mAh का, चाइनीज़ का ओरिजिनल पावर बैंक है ये फोनिंग नाम से, काफ़ी अच्छा है। इसका रिव्यू काफ़ी अच्छा दिया है कस्टमर ने। कस्टमर का कहना, भाई 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई अभी तक, मगर अब जाके ये ख़राब हो गया है। कह रहे हैं भैया अगर इसमें कितना ही खर्चा हो जाए इसे रिपेयर कर दो, क्योंकि ये कस्टमर के दिल पर चढ़ चुका है। देखिए, चाइना में माल अच्छा भी बनता है, ऐसी बात नहीं है। ये बैटरी इसकी चाइनीज़ है मगर ओरिजिनल जेन्युइन चीज़ है, इसके एम्पियर्स वगैरह बड़े ज़बरदस्त है, मैंने चेक किया। अब इसमें देखिए खराबी क्या आती है। अगर आपके पास भी एक पावर बैंक है ना 10,000 mAh का हो, जो अच्छा रिस्पांस देता हो, अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा हो आपके पास, तो उसे आप ऐसे रिपेयर कर सकते हो, फेंकने की जरूरत नहीं है। देखिए, इंडियन पावर बैंक तो आपने देखे होंगे, उनमें कैसी बैटरियां लगी होती है ना, छोटी सी बैटरी लगा देते हैं और फिर चिकनी मट्टी डाल देते हैं उसमें, वो इंडियन पावर बैंक हो गए। उसमें PCB अलग से मिल जाती है, 10-10, 20-20 रुपये की, ये मार्केट से वो लेके और बहुत सारे बंदे 2 तार सोल्ड करके और नोके की बैटरी लगा के दे देते हैं। देखिए, इस तरीके से कोई भी बैटरी उठा के, जो फ्रॉड करने वाले होते हैं ना, ऐसी बैटरी उठा के इसकी माइनस प्लस वाली पिन में एक लाल तार निकालेंगे, एक काला तार निकालेंगे और इस जगह पे सोल्ड कर देंगे बस। बाकी ये जो बैटरा होता है ये होता ही नहीं उसमें, इसको यहाँ पे लगा के चिकनी मट्टी डाल देते हैं ताकि थोड़ा वजन हो जाए, कस्टमर को लगे कि हाँ ये पावर बैंक अच्छा। चोर बाजार वगैरह में ऐसी चीज़ें बहुत बिकती हैं। अगर आपके पास ये ओरिजिनल हो ना और वो ख़राब हो जाए, देखो ख़राब होने का पहचान बताता हूँ ना, जैसे आप चार्जर लगाओगे ना तो आपका पावर बैंक उस जगह से गर्म होने लगेगा जिस जगह आपने चार्जर लगा रखा है ना, वहाँ पे गर्म होने लगे तो आप फौरन उसके साथ ये काम कर लेना जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपका पावर बैंक बल्ले बल्ले हो जाएगा, एकदम ओके रिपोर्ट। देखिए, मैं इसमें आज सोचा मैं इसके बारे में बताऊँ, काफ़ी लोग कमेंट करते हैं मेरे पास पावर बैंक है भैया ख़राब हो गया कैसे ठीक होगा। देखो, ऐसे होगा बिल्कुल भी रिस्पॉन्स ना करे और उसकी बैटरी फूली ना हो, बस अगर फूल गई हो तो फिर तो जाहिर सी बात है बैटरी ख़राब होगी उसकी, अगर फूली ना हो तो आपको इस तरीके से चेक कर लें। देखिए, मैं ये कैपेसिटर है, ये जो कैपेसिटर है ये वाला, ये शॉर्ट है, देखो है ना पूरा शॉर्ट, तो फुल्ली शॉर्ट है ये वाला कैपेसिटर, फुल शॉर्ट है इसका। ठीक है, अब इस कैपेसिटर को हम निकाल देंगे ना, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखो, आयरन थोड़ा सा गर्म है मेरा, आप इसको वैसे भी तोड़ सकते हो, और अगर आपके पास आयरन है तो आयरन से निकाल देना। थोड़ा सा इसमें मैं पेस्ट लगा दूंगा, अब इसको आयरन की मदद से मैं इसको निकाल दूंगा, फिर देखना हमारा पावर बैंक बिल्कुल ओके हो जाएगा ये, और पहले के जैसा काम करने लगेगा। ये देखिए, ये उठ गया एक तरफ से है ना, अब दूसरी तरफ से भी इसको, और ये रहा हमारा कैपेसिटर। ठीक है, ये दूसरा कैपेसिटर है, ये भी शॉर्ट। अब देखो, अब इसकी चार्जिंग आईसी पे देखते हैं, कोई शॉर्टिंग तो नहीं आ रही आउटपुट में। अब देखिए, बिल्कुल भी शॉर्टिंग नहीं है इसके आउटपुट में। और अब देखना आप, अब मैं आपको है ना इसको इसमें चार्जर लगा के दिखाता हूँ ना। देखो, अब चार्जर लगाऊंगा तो अब ये ना तो गर्म होगा और ना ये, हाँ जे बात। देखो दोस्तों, ये चार्जिंग लाइट आ गई, अभी ओके रिपोर्ट हो चुका है। तो इसी प्रकार आप अपना पावर बैंक रिपेयर कर सकते हैं, इनको आप वैसे भी तोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चिमटी वगैरह से ना ऐसे भी तोड़ दोगे तब भी चल जाएगा। ये कैपेसिटर बेसिकली शॉर्ट हो जाते हैं, शॉर्ट होने के कारण ये बैटरी को चार्ज करने के लिए सक्षम नहीं रहते हैं, तो इनको निकाल के हम साइड में फेंक देंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही अपने पावर बैंक को रिपेयर कर लेना, उससे भी कर सकते हैं भाई, नो टेंशन। जहाँ भी चार्जिंग आईसी लगी होगी ना, एक तो इनपुट होता है और एक होता है आउटपुट। आउटपुट में जो वोल्टेज के लिए जा रखे होंगे ना, बैटरी को चार्ज करने के लिए जो ट्रैक जा रखा होगा उसमें 2-3 कैपेसिटर जो लगे होंगे ना, आप उनमें से देख लेना जो शॉर्ट हो, वैसे तो वो तीनों ही शॉर्ट बताएंगे, आप बारी बारी उनको हटा के चेक कर सकते हैं, और उसी साइज़ का कैपेसिटर उसमें लगा देना किसी दूसरे मदरबोर्ड से निकाल के। ना भी लगाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, बिंदास चला सकते हो ये। ठीक है, अब ये पूरा काम हो चुका है, अब देखिए आराम से बिंदास चार्ज करने लगा, पहले लाइट नहीं आ रही थी इसकी, मगर अब उसको बैटरी को वोल्टेज मिलने लगी तो अब ये चार्ज भी हो जाएगा, और अब ये गर्म भी नहीं हो रहा कहीं से, पहले ये गर्म हो रहा था इसी जगह से, जहाँ पर कैपेसिटर शॉर्ट होता है ना उस जगह गर्म होता है ना। आप चार्जर लगा के उंगली लगा के टच करके देख लेना, जहाँ से गर्म हो रहा हो समझ जाना उसी जगह पे कहीं ना कहीं कोई पार्ट शॉर्ट हो रखा है, दोनों तरफ से बीप दे तो उसे निकाल देना, और अगर ज़्यादा ही गर्म हो रहा हो तो उस पार्ट्स को आप वैसे भी निकाल सकते हो उंगली से चेक करके। ठीक है, ये मल्टीमीटर मैंने आपके समझाने के लिए चेक किया, वरना हम उंगली लगा के चेक कर लेते हैं कि भाई कौन सा पार्ट गर्म हो रहा है, उसको निकाल देते हैं, डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ये एक अच्छा पावर बैंक है, मैंने आपको दिखाया भी होगा पीछे वीडियो में, करके देख लेना नाम वगैरह इसका। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।